नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर से ले चलती हूँ आपको कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता सबसे खतरनाक, जिसके रचयिता हैं अवतार सिंह संधु जी पाश। हमने इस कविता का पहला भाग पढ़ लिया जिसमें हमने कवि परिचय और दो पदों के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम आपको बता दूं कविता में क्या था। कविता में कवि ने यह बताया है कि सबसे खतरनाक व्यक्ति के जो जीवन में होता है वो क्या होता है। व्यक्ति के जब सपने मर जाते हैं या वो जब उसमें भावों की शून्यता हो जाती है, वो मुर्दे के समान हो जाता है, वो संवेदनहीन हो जाता है, तो व्यक्ति की वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। ना कि व्यक्ति की पारिश्रमिक का लूट जाना, यानी वो मेहनत से कमाए हुए पैसों का लूटना, या फिर उसकी जो पुलिस की जो मार होती है वो भी इतनी बुरी नहीं होती। लोभ लालच किसी के साथ होता है तो वो भी इतना बुरा नहीं होता। बुरा या खतरनाक सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है व्यक्ति का निराशावादी हो जाना, व्यक्ति का आशाओं से मन उठ जाना क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। कविता का तीसरा पद हम पढ़ेंगे। कविता का तीसरा पद है सबसे खतरनाक वे आंखें होती हैं जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती हैं, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, देखिए कवि ये बता रहा है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है, यानी वह प्रत्यक्षदर्शी, उसकी आंखें सबसे खतरनाक होती है जो अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखती है। वो जुल्म को सहते हुए, अन्याय को सहते हुए, अत्याचारों को सहते हुए भी बिल्कुल स्थायी रहती है, जम जाती है बर्फ की जैसे। देखिए, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, यानी उनके सामने अत्याचार हो रहा है, उनके सामने अपराध हो रहे हैं, उनके सामने शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी वो विरोध नहीं कर पाती है, उनका वो स्वर नहीं उठा पाती उनके खिलाफ, तो ऐसी आंखें सबसे खतरनाक होती हैं। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, यानी वो नजरें प्यार की भाषा भूल गई हैं, यानी संसार में प्यार भी है वो ये भूल गई है, यानी उनको अब नफरत और घृणा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतना ज्यादा शोषण, इतना ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, इतना उन्होंने अपराध देख लिया है कि उनकी आंखों में अब प्रेम की जगह, प्यार की जगह क्या हो गया है, नफरत और घृणा भर गई है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, यानी वो नजरें जो है वो चीजों से उठती हुई अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। अर्थात कवि ये कह रहा है कि स्वार्थ के मारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, लोगों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना इतना आवश्यक हो गया है, स्वार्थ इतना भर गया है उन लोगों में कि वो अंधेपन के भाव पर ढुलक जाते हैं, यानी वो लोभ लालच करने में भी पीछे नहीं हटते। उनका केवल स्वार्थ पूरा होना चाहिए, उनकी खुद की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके लिए वो लोभ लालच जितने भी गलत काम होते हैं वो करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, और वो निगाहें प्रतिदिन के क्रियाकलापों के अंदर, यानी मशीनीकरण वाली जीवन के अंदर, यंत्र रूपी यंत्रीकरण के कारण क्या है, वो लक्ष्यहीन हो गई है। यानी जो नजरें, जिन नजरों में क्या होना चाहिए था, प्रेम होना चाहिए था, सौंदर्य का भाव होना चाहिए था, उन नजरों में अब ईर्ष्या हो गई है, उन नजरों में अब घृणा हो गई है, नफरत फैल गई है उन नजरों में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शोषण हो रहा है और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो लोभ और लालच की ओर अग्रसर हो गए हैं, और वो जो निगाहें हैं वो लक्ष्यहीन हो गई हैं, और अपने लक्ष्य की फिराक में, अपने लक्ष्य को देखते देखते वो कहीं खो जाती हैं, कहीं अदृश्य हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। अर्थात यहां पर कवि यह कहना चाह रहे हैं कि लोगों के सामने अत्याचार होता है, लोगों के सामने अत्याचार होता है, यानी जो भी हत्याकांड, जो भी गलत काम होते हैं वो लोगों के सामने होते हैं, लेकिन वो लोगों की आवाज दबा दी जाती है। क्यों दबा दी जाती है? क्योंकि उनके पास इतना बल नहीं होता है, इतना पैसा रुपया नहीं होता है कि वो उनकी आवाज को बढ़ा सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं सबसे खतरनाक वह चांद होता है। चांद किसकी ओर इशारा कर रहा है?
मतलब ये चांद जो है ये प्रत्यक्षदर्शी है हर उस गलत काम का जो होते हैं, यानी ये उन लोगों से संबंधित है। चांद को किसका प्रतीक माना गया है? जो लोग अत्याचार को चुपचाप सहन कर लेते हैं, ठीक है। तो चांद को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी चांदनी बिखेरने में व्यस्त रहता है। लेकिन यहाँ पर चांद किसका प्रतीक है? यहाँ उन लोगों का जो अत्याचार सहन कर रहे हैं, चुपचाप शोषण को सहन करते जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, यानी नित प्रतिदिन का कार्य वो करता है, आसमान में आता है, अपनी चांदनी बिखेरता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर अपनी चांदनी बिखेरता है। हर हत्याकांड का यानी हर गलत कार्य का वो प्रत्यक्षदर्शी होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो रोशनी होती है वो किसी को मिर्ची की तरह नहीं चुभती है। यानी देखो, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता, लेकिन वो फिर भी किसी को खटकता नहीं है, यानी उसके खिलाफ किसी का आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। कवि ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचता है, कौन सा? मरसिए। मरसिए यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए व्यक्ति के लिए जो गीत गाए जाते हैं उस समय, उस अवधि में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं? मरसिए कहलाते हैं। मुर्दा के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? मरसिए कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो मुर्दे के लिए गाए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के लिए गाए जाते हैं, वो गीत सबसे खतरनाक होता है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, सबसे खतरनाक वह रात होती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो गीत है जो किसी मुर्दा के मतलब मर जाने पर गाया जाता है, वो गीत जो है आतंकित लोगों के दरवाजे पर गुंडे की तरह अकड़ता है, यानी वो गीत सबसे भयानक होते हैं, वो लोगों में डर पैदा करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं, निराशा उत्पन्न करते हैं, और वे भय, वो जो डर है, वो लोगों के दरवाजे पे जाकर दस्तक देता है और गुंडों की तरह करता है। जैसे गुंडे गलत व्यवहार करते हैं, लोगों से गलत आचरण करते हैं, वैसे ही वो जो डर है, मरसिए का जो गीत है, वो गीत भी लोगों के कानों में भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है, उनमें निराशा की भावना को जागृत करता है। तो वो गुंडे की तरह क्या करते हैं? अकड़ता है वो गीत, उनके दरवाजे पे आकर दस्तक देता है और उस भय को निकलने नहीं देता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, यानी व्यक्ति के जीवन की वह रात सबसे कठिन होती है, सबसे खतरनाक होती है, वह घनघोर रात, काली रात होती है जिसमें जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जो उनकी आत्मा के ऊपर निराशा का जाल बिखेर देती है, यानी उनको निराशा में डुबो देती है, उनको जीवन में जो आशा का संचार होता है वो बिल्कुल समाप्त कर देती है। वो रात सबसे खतरनाक होती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करते गीदड़, यानी उनके मन में भय बैठा देता है, उनके मन में उल्लू और गीदड़ जो रात्रि के जानवर माने जाते हैं, रात्रि में विचरते हैं, विचरण करते हैं, और उनको अशुभ का सूचक माना जाता है, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है उन्हें। इसलिए इसने कहा है कि उस भय से भरे हुए जो मन है, उनके मन में उल्लू और गीदड़ जैसे जानवर चिपक जाते हैं, अर्थात भय को उनके मन से निकलने नहीं देते हैं, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाटों पर चिपक जाते हैं। यानी वो लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि वो अपने घरों से, अपने दरवाजों से, चौगाटों यानी घाटों से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं करते हैं। अंधेरों में रहना ज्यादा अच्छा मानते हैं बजाय घर से निकलने के, अर्थात वो शोषण को चुपचाप सहन कर रहे हैं, अत्याचारों को चुपचाप सहन कर रहे हैं, वो आवाज उठाने का जो साहस है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में भय घर कर गया है, यानी उनके मन में डर बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं। कविता का अंत यही होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कविता आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।